इस बिजनेस को हम अपना माने, जिस दिन अपना मान लेंगे, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों में चूमेगी। शर्त ये है अपना माने, इसे अपना माने मेरे भाई, ये अपना है, भारत अपना देश है, आप हमारे सगे भाई हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, इस चीज को समझें। आरसीएम बिजनेस इसलिए लगाया गया है कि हिंदुस्तान में आप कहीं भी लोग बिजनेस की भाषा ही समझते हैं, अगर पैसा नहीं है तो लोग नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें बिजनेस लगाया गया है। और इस व्यापार में अलग मैटर है, अगर जिस दिन इसको समझ जाएंगे आप इसको अपना तो बना ही लेंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा मेरे भाई, ये अलग चीज है। छाबड़ा जी की पुस्तक को पढ़िए तो आप एहसास करेंगे कि इस बिजनेस में क्या मिलने वाला है। पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसे के पहले बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। हम आप संगठन बनाए, हमारी आपकी शक्तियाँ ज़्यादा हैं, हमारी आपकी शक्तियाँ 95% हैं, 5% लोग हैं जो लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन बहुत सारी संख्या कस्टमर की है, कस्टमर मिलकर ताली बजा देंगे ना तो बिचौलिए भाग जाएंगे। बस ये है, हम आपको एकता बनाना पड़ेगा, हम आपको संगठन में आना पड़ेगा। एकता कैसे, हिंदुस्तान जब गुलाम हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और व्यापार करने के मकसद से आई थी, लेकिन हमें यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग किसान हैं, सीधे साधे हैं, आपस में इनको अगर लड़ा दिया जाए तो हम यहाँ रह सकते हैं। उन्होंने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और अपने भारत में कब्जा जमाया। मेरे भाई, हम आप संगठन बनाए होते तो कभी यहाँ नहीं आ सकते थे, बस ये है कि वहाँ पैर पसारे और हम पे हावी हो गए। क्या समझते हैं भगत सिंह ऐसी फांसी पर लटक गए हैं क्या, चंद्रशेखर आजाद ऐसी अपने आप को खत्म कर लिए हैं क्या? बहुत बड़ा राज, इसमें भले ही इतिहास में नहीं लिखा गया, भले ही सबको नहीं पता है, नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे अपने घर में, अपने भारत में हमारी माताएं बहनें महफूज नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, जब यहाँ पे अंग्रेज थे, कुछ भी कह दिया जाता था, कुछ भी कर दिया जाता था। मेरे भाइयों, वैसा दोबारा दिन ना आए। अगर हम संगठन नहीं बनाएंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, दोबारा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, पैसा एक किनारे हटाइए, एकता बनाइए, विदेशी कंपनियों की हिंदुस्तान पर निगाह है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे व्यापार ज़्यादा है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ व्यापार है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है, इतना किसी के पास नहीं है, चाइना से भी ज़्यादा यहाँ पे नौजवान है।